इस साल एथर सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 10th एनिवर्सरी और ये एक खास मौका है सेलिब्रेट करने के लिए जो उनकी आज तक की सबसे अच्छी स्कूटर बनी है जिसका नाम है 450 एपेक्स। एथर ये बताना चाहता है कि उनकी 450 सीरीज किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है और एपेक्स नाम इसीलिए इस स्कूटर को दिया गया है। कैसी है 450 एपेक्स चलाने में, ये कब होगी अवेलेबल, कैसी है दिखने में, क्या इसमें कोई और फीचर्स लगे हैं, ये सब हम आपको इस रिव्यू में बताएंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, हम आप तक सारी खबरें और सारे रिव्यूज़ लगातार लाते रहेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। फोर फिफ्टी एपेक्स के बारे में जो सबसे पहली चीज आपको आकर्षित करेगी वो है इसकी पेंट स्कीम। एथर ने इस पे लगाया है एक इंडियम ब्लू पेंट जो एक्चुअली एक टू लेयर पेंट है, इसके अंदर एक थोड़ा लैवेंडर का भी शेड पता होता है जो काफ़ी कूल लगता है और इस पे एक सैटिन टाइप फिनिश भी है जिसकी वजह से प्रीमियम फील ऐड हो जाता है। आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के लिए ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है जो व्हील्स पे भी है और जो लोगोज स्कूटर पे हैं उस पे भी मौजूद है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो साइड पैनल्स हैं वो भी अब ट्रांसलूसेंट हैं। ये एक सीरीज वन जो स्कूटर थी इनकी उसकी तरफ एक ट्रिब्यूट है और इस बार ये पैनल्स थोड़े और क्लियर हैं तो आप थोड़ी और सफाई से इसकी फ्रेम को देख सकते हैं। फ्रेम का भी कलर ऑरेंज है तो जो शायद आपके अंदर सीक्रेट KTM फैन बॉय है वो थोड़ा और खुश होगा। और आप देखेंगे जो इस पे एथर वर्ड मार्क है वो भी नया है, एथर ने अपना वर्ड मार्क को थोड़ा डिफरेंटली स्टाइल किया है, अब थोड़ा और प्रोमिनेंट मालूम होता है। इसी के साथ साथ एथर ने इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ग्राफिक्स के कलर्स को भी चेंज किया है इस स्कूटर की पेंट स्कीम को मैच करने के लिए। और जब आप ये स्कूटर खरीदेंगे तो आपको इस पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग साथ में मिलेगा जो अदरवाइज एक्सेसरी के तौर पे ही मिलता है। एथर को 450 एपेक्स के लिए जिस एरिया में फोकस करना था वो था इसकी परफॉर्मेंस और उसको ध्यान में रखते हुए एथर ने इसमें एक स्लाइटली और पावरफुल मोटर लगा दिया है। ये मोटर अब बनाता है एक पीक आउटपुट 7 किलोवाट की, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है नॉर्मल 450X के मुकाबले, लेकिन जब आप इसे राइड करेंगे कुछ समय के बाद आपको वो डिफरेंस फील होने लगेगा। इस स्कूटर में अब आ गया है वॉर्प मोड का एवोल्यूशन, इसे एथर ने नाम दिया है वॉर्प प्लस। और ये मोड जो करता है वो ये है कि आपको और अच्छी रोल ऑन एक्सेलरेशन देता है। इस स्कूटर की 0-40 km/h की एक्सेलरेशन टाइम है 2.9 सेकंड, जो करीब करीब हाफ सेकंड क्विकर है स्टैंडर्ड 450X के। बट जहां रियल डिफरेंस फील होता है वो 40-80 km/h की स्पीड में होता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन एथर कहता है सिर्फ 4 सेकंड से भी कम वक्त में हो पाता है। और ये जब आप इसे रोड पे चलाते हैं, ट्रैफिक में चलाते हैं, तब आपको एकदम क्लियरली महसूस होता है। हमें इसे चलाने का मौका मिला इस गोकार्ट ट्रैक पे, कल रात में हमने इस पे कुछ लैप्स किए और उसी के साथ साथ कुछ वक्फे के लिए हमें इसे बाहर भी ले जाने का मौका मिला। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये प्योर 450X है, जिस तरीके से ये अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, जितनी ये एजाइल फील होती है कॉर्नर्स में, जितनी निम्बल फील होती है, ग्रिप मिलती है टायर्स से जो आपको अश्योर करे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सारे ट्रेड्स 450X के प्रिजर्व किए गए हैं और थोड़े और रिफाइन कर दिए गए हैं ताकि आप इस स्कूटर को और इन्जॉय कर सकें। एपेक्स में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एडवांस्ड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी शामिल किया गया है जिसे एथर ने मैजिक ट्विस्ट का नाम दिया है। बेसिकली आप नेगेटिव थ्रॉटल इनपुट अप्लाई करते हैं स्पीड कम करने के लिए, लेकिन एपेक्स पर यह इतना ताकतवर है कि स्कूटर को बिना ब्रेक लीवर इनपुट के ही पूरी तरह से रोक सकता है। ये एनेबल करता है एथर का इन हाउस मोटर कंट्रोलर और यही वजह है कि 450X के मुकाबले में एपेक्स का ओवरऑल रेंज थोड़ा ज्यादा है और पावरफुल मोटर होने के बावजूद। सिर्फ थ्रॉटल का इस्तेमाल करते हुए स्कूटर को चलाने में मजा जरूर आता है, लेकिन आप मैजिक ट्विस्ट पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि ये आपको हर ब्रेकिंग सिनारियों में फाइनल डिग्री ऑफ कंट्रोल देगा। तो एवरीडे राइडिंग में इसको ब्रेक लीवर्स के साथ इस्तेमाल करने की आदत होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। समरी में 450 एपेक्स एक रिप्रेजेंटेशन है कि इस 450 प्लेटफॉर्म पे क्या मुमकिन है। एथर ने इस प्लेटफॉर्म को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर दिया है, ये इस स्कूटर का सबसे पोटेंट वर्जन है।
और आपको इसमें वो परफॉर्मेंस ज़रूर मिलती है जो एथर आपको प्रॉमिस करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसमें कोई फेम टू सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है और ये स्टैंडर्ड 450X से भी काफ़ी महंगी है। मेरा ये मानना है कि एथर इस मौके को थोड़ा और स्पेशल बना सकता था, इस अवसर को थोड़ा और यादगार बना सकता था, थोड़े और एडिशंस करके इस स्कूटर पे जो इस बायर को थोड़ा और स्पेशल फील करा सकते थे। ऑल्सो इसमें आपको यही पेंट स्कीम मिलेगी जो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिटिंग है, क्योंकि ये पेंट स्कीम शायद सबके टेस्ट को मैच नहीं कर पाएगी। ये स्कूटर सिर्फ 8 से 9 महीने तक ही प्रोडक्शन में होगी और लिमिटेड नंबर्स में बनेगी, तो सब एथर बायर्स इसे खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये स्कूटर सिर्फ एक छोटा सा स्टेप अप है स्टैंडर्ड 450X के मुकाबले, और मेरा मानना है कि अगर आपको एक जेन्युइन 450X एक्सपीरियंस ही चाहिए तो जो स्टैंडर्ड स्कूटर है वो करीब करीब आपको सेम ही एक्सपीरियंस देता है, सेम राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आपको ये स्कूटर पसंद है तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो भी उतनी ही सफाई से आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा और आप उसे भी उतना ही एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको कैसी लगी 450 एपेक्स? क्या आपको इसका कलर स्कीम पसंद आया? क्या आपको इसमें जो नए एडिशन्स किए गए हैं, जो बढ़ी हुई परफॉर्मेंस है, वो पसंद आई? हमें आपके सारे ख्याल कमेंट्स में बताएं। अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो 450 एपेक्स में इंटरेस्टेड हों तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।